नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में जिस टर्म की चर्चा करने वाले हैं वो टर्म है मेटावर्स। मेटावर्स जो टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेटा और यूनिवर्स। मेटा का मतलब होता है एक्सट्रीम सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ रेफरेंशियल होना या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन। और यूनिवर्स तो हम जानते ही हैं, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, संसार, दुनिया, जो भी आप कह लें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेटावर्स का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां पर आप सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू अपना जो पोटेंशियल है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और उसके साथ साथ किसी भी इंसान से, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप इसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, पढ़ाई, बिजनेस ये भी कर सकते हैं और अगर कहीं कुछ वर्चुअल प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। तो यानी जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसे ही मेटावर्स कहा जाता है। और ये जो मेटावर्स है, एक्चुअली ये जो टर्म है इसकी चर्चा इसलिए आजकल जोरों पर है, खासतौर से तब से जब से फेसबुक की ब्रांडिंग जो है वो मेटा नाम से हुई है। इनफैक्ट ब्रांडिंग या रीब्रांडिंग आप कह सकते हैं, और ये हुई थी अक्टूबर 2021 में। तब से मेटावर्स पर काफी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या मेटावर्स जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम कर देगा या फिर क्या मेटावर्स हमारे लिए घातक हो सकता है या मेटावर्स की क्या लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस है। इन सारी चीजों पे, इन सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन हो रहा है, पर उन डिस्कशन को समझने से पहले मेटावर्स को अच्छे तरीके से जानना हमारे लिए जरूरी है, राइट? तो मेटावर्स जो है वो एक तरीके का एक ऐसा 3D एनवायरमेंट है, एक ऐसा वर्चुअल एनवायरमेंट है जिस एनवायरमेंट को फील करने के लिए आपको स्पेशली डिजाइन कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जिन्हें VR हेडसेट्स कहा जाता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, या फिर AR ग्लासेस यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जो ग्लासेस होते हैं, इनको लगाना होता है और तभी आप वो जो 3D एनवायरमेंट है ना उसको उस तरीके से फील कर पाते हैं। और अगर इसकी दूसरी लिमिटेशन की बात की जाए तो इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि मेटावर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए इंटरनेट की। अगर इंटरनेट की अच्छी स्पीड आपके पास नहीं है तो आप मेटावर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि आखिर ये जो मेटावर्स टर्म है, इस टर्म को दिया किसने। तो ये टर्म जो है 1992 में नील स्टीफेंसन हुए हैं, उन्होंने एक साइंस फिक्शनल नॉवल लिखा था जिसका नाम था स्नो क्रैश। उसमें मेटावर्स का जिक्र किया है और उसमें जो एक्शन होते हैं ना वो दो वर्ल्ड्स में होते हैं, एक जो है वो फिजिकल वर्ल्ड होता है और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसे मेटावर्स कहा गया है उसमें। तो वहां से ये टर्म जो है आया है। और अब जब से टेक जाइंट्स जो है टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इन्हांस कर रही हैं और जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में हमारा पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, उसे देखते हुए मेटावर्स जो है वो अब बहुत ज्यादा दूर की जो पौड़ी है वो नहीं महसूस होता है, राइट? तो मेटावर्स के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में तो हम जान गए हैं। चलिए एक और बात आपको बताना चाह रही थी कि मार्क जुकरबर्ग इसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी है जिसमें कि आप अपने अवतार के साथ 3D एनवायरमेंट में घूम सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पर कैसे, यानी आपको VR सेट्स यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स लगाने होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पहनने होंगे, तो इनके साथ आप इस वर्चुअल वर्ल्ड का मजा ले सकते हैं और उसको रियल वर्ल्ड की तरह काफी हद तक फील भी कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई लाइव कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा हो उस तरीके का और उसको वर्चुअली बेसिकली दिखाया जा रहा हो तो आप उस वर्चुअल कॉन्सर्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो थी मेटावर्स की खूबियां। अब हम आ जाते हैं इनकी खामियों पर भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और डिलिमिटेशंस भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मेटावर्स को कंट्रोल कौन करता है, हम क्या देखें क्या नहीं, कौन से गेम्स खेलें, ये हम तय नहीं करते बल्कि ये डिसाइड करती हैं जो ये बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं
वो राइट। और अगर इनके खतरों की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमारे डेटा पर है, हमारा जो पर्सनल डेटा अभी भी चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारा जो डेटा है वो काफी हद तक ये जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं उनके पास पहुंच गया है, और उसी के जरिए वो हम तक जो आप कह सकते हैं कस्टमाइज्ड जिनको एडवर्टीजमेंट्स कहा जाता है उसका बम्बार्डमेंट करती हैं। लेकिन अगर हम मेटावर्स से कनेक्ट होंगे, 3D एनवायरमेंट में जाएंगे, तो हमारा जो बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो वोकल टोन है, हमारा जो बायोमेट्रिक डेटा है, वो भी उन तक जा सकता है और उसका बेचा इस्तेमाल वो कंपनियां कर सकती हैं। दूसरा जो बड़ा खतरा समझ में आता है वो है बेसिकली साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम का, क्योंकि अभी हम लोग इतने ज़्यादा डिजिटली अवेयर नहीं हैं, इतने डिजिटली अलर्ट नहीं हैं, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि हम साइबर फ्रॉड या साइबर जो करप्शंस हैं उनको किसी भी तरीके से कम कर पाए, तो इसी वजह से ये भी एक खतरा समझ में आता है। और तीसरा जो खतरा है वो है हमारी हेल्थ का, यानी कि अगर आप जितना ज्यादा मेटावर्स में एंगेज रहेंगे उतना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, और स्क्रीन टाइम का बढ़ना मतलब आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर बुरा असर पड़ना। सो आई होप कि आप मेटावर्स की जो लिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस हैं, उनको जानते हुए, इसकी खूबियों और खामियों को जानते हुए इस वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे, खुद को अवेयर रखेंगे और मीडिया लिटरेट बनेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोस अच्छे लगें, ये टर्म्स अच्छे लगें, तो प्लीज़ आप मीडिया डिक्शनरी के इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।